सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं खास खबर आप तक। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3 दशक से ज़्यादा समय से दैनिक जागरण में कार्यरत और पत्रकारिता के एक तरीके से कह दिया जाए स्तंभ और पूर्वांचल के राजनीति के साथ साथ देश के राजनीति में एक गहरा पैठ बनाने वाला व्यक्ति डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी आज हमारे खुद हमारे साथ हैं और हमारे चैनल से बात करेंगे। खास खबर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत जो है। सबसे पहला सवाल सर, राम मंदिर का मुद्दा इस समय कोर्ट में है। भगवान प्रभु राम रावण का वध कर दिया, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में रावण की भूमिका में कौन और रावण, ये दोनों पात्र हैं। और राम और रावण को जो है जो शक्ति प्राप्त होती है वह शिव से होती है। दोनों शिव के भक्त हैं, क्योंकि राम को जब श्रीलंका पर चढ़ाई करना था, आक्रमण करना था, तो उन्होंने शिव की उपासना की और शिव से शक्ति अर्जित किया। इसका अर्थ यह है कि जो राम को शक्ति प्राप्त हुई वो शिव से हुई, और रावण भी शिव का उपासक था। रावण की शक्ति भी शिव से प्राप्त शक्ति है। राम जो है अपने शक्ति का उपयोग लोक के लिए करते हैं और रावण अपने शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का और अपनी सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए करता है वो रावण की तरह समाज में मिट जाता है। अब आपने कहा राम जो है और रावण, यह जो दो प्रवृत्ति हैं, और यह जो प्रवृत्ति है रावण की, जो प्रवृत्ति है वह चीरकाल से चली आ रही है, और यह जो आसुरी प्रवृत्ति है यह कहीं ना कहीं से लोक के विरोध में हमेशा एक खड़ी प्रवृत्ति होती रही है। तो जो राम और रावण का संघर्ष आप देखेंगे, यह राम रावण का संघर्ष जो है कि राम के पास शक्ति नहीं है, राम के पास सत्ता नहीं है, राम के पास सेना नहीं है, राम के पास प्रभुता नहीं थी। राम और रावण से तब संघर्ष होता है जब राम वन को चलते हैं, और तब वन में जब चलते हैं तो उस समय के राम का जो चरित्र का वर्णन है वह वनवासी राम का है। तो वनवासी राम और रावण में शक्ति संघर्ष होता है और राम उस पर विजय प्राप्त करते हैं, और विजय प्राप्त करने में राम के साथ भालू हैं, वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, हर तरह के लोग हैं, और रावण के साथ सारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, और राम के साथ वे सभी लोग हैं। राम हर सत्ता को गले लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और राम अपने शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लोक के लिए करते हैं, और रावण अपने शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए करता है। इसलिए रावण मिट जाता है और राम सत्ता में बने रहते हैं। जो लोग आज कहीं ना कहीं से राम का मंदिर जो है वह आस्था का केंद्र है, और राम देश और राष्ट्र से ऊपर हैं, क्योंकि राष्ट्र भारत जो है के सांस्कृतिक जो है केंद्र में राम हैं, और राम जो है वह संस्कृति पुरुष हैं, पुरुष नहीं हैं, हम लोग तो उन्हें ईश्वर मानते हैं। और इसलिए आपको जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं वह राम हैं, और राम के विरुद्ध जो भी बात करता है वह कहीं ना कहीं रावण कहलाएगा, और कहीं ना कहीं वह राम के विरुद्ध खड़ा होता है। इसलिए राम के पक्षधर जो लोग हैं सही अर्थों में, वे लोग ही लोक से जुड़े हुए हैं, और लोक सत्ता के नायक वनवासी राम के समर्थक हैं। सर, राम मंदिर का मामला न्यायालय में है, आपको नहीं लगता कि सरकार और विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जो भी राम पर राजनीति करेगा वह लोक से दूर होता चला जाएगा। तमाम सारे लोग, अब देख लीजिए कांग्रेस, आप निरंतर देखिए, उसका इतिहास देखिए, तो राम को कांग्रेस ने भुलाया, और कांग्रेस ने राम को भुलाया नहीं, आप कह सकते हैं एक पक्षी बनकर काम किया। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूँगा, साबानो प्रकरण में आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस के एकतरफा पक्षधरता का विरोध किया था और उन्होंने त्यागपत्र दिया था, क्योंकि साबानो प्रकरण में भारतीय दंड विधान की धारा 125
जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भरण पोषण का अधिकार देता है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर कुछ चंद लोगों के दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने उसमें संशोधन किया और कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष का कांग्रेस पक्षधर बन गई। तब से ही कांग्रेस का जो है कहीं न कहीं से उसके ग्राफ में गिरावट आती चली गई और आज कांग्रेस को यह समझना होगा कि हमें बहुसंख्यक इस देश में कौन है और बहुसंख्यक लोगों का वोट जो है वह राम के साथ जुड़ा हुआ वोट है, वह कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ वोट है, वो कहीं ना कहीं धर्म परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। इसलिए हमेशा जो लोग भी राजनीति, ठीक है हर कोई अपनी सत्ता के लिए राजनीति करता है, लेकिन राजनीति का विषय राम नहीं है, राम राजनीति से ऊपर हैं और राम को भुलाया नहीं जा सकता है और ना तो राम को बिसराया जा सकता है। राम हम सबके दिल में हैं, हम सबके मन के भीतर हैं, भारतीय परंपरा के केंद्र में राम हैं। सर एक सवाल और है, आपने कहा राम आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी फिर इस पर मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा मैनिफेस्टो में अपने क्यों शामिल करती है? अगर आस्था का, आपको नहीं लगता कि आस्था को राजनीति से जोड़ा जा रहा है? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो देश है, राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद ही कोई भी व्यक्ति है। अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा था कि देखिए राष्ट्र और भारत का संविधान सबसे पहले है, तो राष्ट्र सबसे पहले है तो राष्ट्र के केंद्र में राम हैं। देखिए राष्ट्र तो तभी है, कोई राष्ट्र तभी तक रहता है जब वहाँ की संस्कृति रहती है, क्योंकि संस्कृति राष्ट्र की प्राण वायु है, प्राण है। जैसे शरीर के भीतर एक जो है प्राण तत्व है, अगर प्राण तत्व खत्म हो जाएगा शरीर नष्ट हो जाएगा, शेष उसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति है वह राष्ट्र की आत्मा है। तो राष्ट्र की आत्मा के कारण जो है, जब राष्ट्र की आत्मा रहेगी तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में रहेगा। इसलिए राष्ट्र विरोधी लोग वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से राम के विरोध में खड़े होते हैं, चाहे जिस भी दल क्षेत्र जाति और राजनीति करने वाले लोग हैं। सर एक सवाल एक और है, राहुल गांधी के बयान को धारा 370 के हटने पर उनके बयान को पाकिस्तान UNA में लेकर जा रहा है, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी देश को शर्मसार कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि दरअसल कहीं ना कहीं सूझबूझ से काम लेना चाहिए और भारत के आंतरिक मामले को आंतरिक स्तर पर ही सुलझाना चाहिए और बातचीत करना चाहिए और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल है। मैं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी हूं और हमारा PhD भी उसी में है, क्योंकि किसी भी विदेश नीति का पहला तत्व जो सामने रहता है वह है उस देश का हित है। तो देश का राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इसीलिए किसी दल को भी राष्ट्र के हित के विरुद्ध जाकर कोई बयान देना उचित नहीं लगता और ना तो ही ऐसा बयान देना चाहिए जो दूसरे लोग जिस पर सियासत करें राजनीति करें। हमारा आपस में तो अपना अपना हर दलों का अपना एजेंडा हो सकता है, पर राष्ट्र का एजेंडा तो सबका एक है होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र रहेगा, एक यहाँ के लोग एक मत होकर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे तो यह भी भारत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश बनेगा। जैसे जो माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय APG अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक भारत दुनिया के देशों में विकसित देश बनेगा, अग्रणी देश बनेगा, प्रभावशाली देश बनेगा, ताकतवर देश बनेगा। तो यह सब तभी संभव है जब हम सभी लोग या सभी दलों के लोग अपने छोटी छोटी स्वार्थों से, छोटे छोटे बयानों से दूर हट के राष्ट्र के बारे में सोचें, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र सशक्त होगा और जब राष्ट्र सशक्त होगा तभी दुनिया के फलक पर हम स्थापित होंगे। आप देखिए हमने आज़ादी को इतने वर्षों से देखा है, भारत जब आज़ाद हुआ तो दुनिया के करीब करीब उसके आसपास दुनिया के करीब करीब 4 दर्जन से अधिक देश आज़ाद हुए, चाइना भी उसी समय आज़ाद हुआ भारत के बाद। आज चाइना की इकोनॉमी देख लीजिए क्या है और आज अमेरिका की इकोनॉमी देख लीजिए क्या है,
भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, वेद काल से और तमाम लाखों वर्ष पहले भारत के संस्कृति और भारत की परंपरा और लोक जीवन का लोहा दुनिया मानता रहा है। लेकिन अमेरिका देख लीजिए, 1600 में अमेरिका सामने आता है, और भारत देख लीजिए कब। तो भारत कहीं ना कहीं से दुनिया के लिए हमेशा सदैव आदर्श रहा है, ताकतवर रहा है, यशस्वी रहा है और संपन्न देश रहा है। इसलिए भारत के लोगों को इसकी संपन्नता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि भारत का जो जनमानस है वह उद्वेलित हो और भारत का जनमानस कहीं ना कहीं से अफसोस व्यक्त करे, क्षोभ व्यक्त करे। इसलिए एक ही भाव रखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के बाद ही हमारा कुछ भी है। इसलिए जो उनके द्वारा दिया गया बयान है, निश्चित तौर पर उस पर उन्हें विचार करना चाहिए।